हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए, देखिए, जो केमिस्ट्री है 12th क्लास वालों की, 2 मार्क्स के लिए IMP क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। गाइस, इसके पहले मैंने आप लोगों के लिए, देखिए, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, ठीक है, इन सभी मार्क्स की एक वीडियो बनाई हुई थी। वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। ये आपका पार्ट नंबर 3rd है गाइस, ठीक है। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, 2 मार्क्स के लिए आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चंस आते हैं टोटल, ठीक है। और जो सभी क्वेश्चंस होंगे गाइस, वो सभी और में होंगे, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों के लिए जो यूनिट्स पढ़नी है, वो है यूनिट नंबर 2nd, सॉल्यूशंस। इसमें आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन नंबर 1st आएगा, वो होगा आपका पेप्टाइजेशन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2nd, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे गाइस, जैसे कि ये वाला है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। मॉलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज इक्वल्स टू 180, आर इक्वल्स टू 0.0821 लीटर एटमोसफेयर, ठीक है गाइस। उसके बाद में 3rd क्वेश्चन जो है, 12.5 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 170 ग्राम ऑफ वाटर, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वॉज फाउंड टू बी 0.63 K इफ KB फॉर वाटर इक्वल्स टू 0.52 Km इनवर्स, कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ यूरिया। ये गाइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से करेंगे। इसमें गाइस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बहुत से चांसेस हैं आने के। और फिर क्वेश्चन नंबर 4th है स्टेट हेनरी लॉ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन आता है ऑस्मोटिक प्रेशर और आता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों के लिए यूनिट नंबर 5 है जो आपकी सरफेस केमिस्ट्री, उसमें आप लोगों के लिए ये सभी 4 IMP क्वेश्चंस पढ़ना है। क्वेश्चन जो आपका इसमें 1st है, वो है व्हाट इज कॉन्जुगेशन। क्वेश्चन नंबर 2nd है गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर क्या होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3rd है पेप्टाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4th है आपका कोलोइडल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5th है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है गाइस। इसमें मैं सभी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, क्लास 12th वालों के लिए। सो देखिए, नेक्स्ट यूनिट नंबर जो 9 है गाइस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें आप लोगों के लिए 100% है गाइस कि इसमें आप लोगों के लिए IUPAC नेम आएंगे ही। IUPAC नेम, जैसे कि ये वाला आपका कंपाउंड है के ब्रैकेट में AgCN का होल 2, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद में 2nd है K2NiCN होल टू द पावर होल 4, ठीक है। उसके बाद में 3rd है CONH3 होल 6 और Cl3। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2nd जो आपको आता है, वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिगेंड्स विथ एग्जांपल गाइस। और ये लिगेंड्स क्या होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस, चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। और गाइस, आप इसका जो 1st पार्ट है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से उसे देख सकते हैं और 2nd पार्ट भी देख सकते हैं। 1st पार्ट में मैंने आप लोगों के लिए 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हुए थे और 4 मार्क्स के। और इसका जो 2nd पार्ट है, उसमें मैंने आप लोगों के लिए 3 मार्क्स के IMP क्वेश्चंस बताए हुए थे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।